our precious friend. हमारे बहुमूल्य दोस्तों, Today we remember the wounds of Jesus. आज हम यीशु मसीह के जख्मों को स्मरण करते हैं. He endured the 7 wounds for us to be free of all our wounds. उसने हमारे लिए कि हम सारे जख्मों से आजाद हो, उसने हमारे लिए 7 जख्मों को अपने ऊपर ले लिया. For us to be healed of our wounds. ताकि हम अपने जख्मों से चंगे हो सकें. For us to have life. ताकि हम जीवन पाए. Today as we meditate on Isaiah 53 and verse 5. जैसे कि आज हम यशायाह 53 वचन 5 पर मनन कर रहे हैं. The Bible says. बाइबल कहती है. He was pierced for our transgressions. वो हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया. Jesus was crushed for our iniquities. हमारी अधर्म के कारण वो कुचला गया. The punishment that brought us peace was upon him. हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी. And by his wounds, the wounds of Jesus, we are healed. कि उसके कोड़े खाने से यानी यीशु ने जो कोड़े खाए उसके कारण हम लोग चंगे हो जाएं. Jesus had 7 wounds. यीशु ने 7 जख्म खाए. Wounds on his head. उसके सिर पर जख्म. Wounds in his hands. उसके हाथों में जख्म. Wounds in his legs. उसके पैरों में जख्म. Wounds in his side. उसकी पसली में जख्म. 7 wounds. 7 जख्म. 7 means complete. 7 का मतलब परिपूर्णता. So he carried all the wounds that everybody carries in this world. इस संसार में हर एक जो अपने जख्म लेकर चलता है उन सारे जख्मों को उसने उठा लिया है. And he brought a complete remedy for all our wounds. और उसने हमारे सारे जख्मों के लिए पूरी तरह से हल ला लिया. There is hope in Jesus. यीशु मसीह में आशा है. Firstly, I'd like to talk about the wounds caused by the crown of thorns on his head. सबसे पहले उन जख्मों के बारे में कहना चाहता हूं जो उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया उसके कारण हुए. He is none other than God himself in flesh. लेकिन वो और कोई नहीं, स्वयं परमेश्वर मानव रूप में थे, शरीर रूप में थे. I'm sure he was crowned with glory in heaven. और मैं जानता हूं कि स्वर्ग में वो तो महिमा का मुकुट पहने हुए थे. But he came down. लेकिन वो नीचे आए. Took the crown of thorns. और कांटों का मुकुट ले लिया. To carry every one of our mental pain, suffering, worries and wounds. ताकि हम में से हर एक के दिमागी चिंता, परेशानी और जख्मों को अपने ऊपर उठा ले. The world makes us carry the pattern of the world according to Romans 12:2. रोमियो 12:2 के अनुसार संसार तो ऐसे करता है कि हम संसार के तरीके को अपना ले. First John 2:16 says. पहला योहन्ना 2:16 कहता है. The lust of the eyes. शरीर की अभिलाषा. The lust of the flesh. आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा. And the pride of life. और जीविका का घमंड. But all this brings sin into us. और ये सब हमारे अंदर पाप लेकर आता है. And the wages of sin is death. और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है. Death caused by guilt of sin. मृत्यु जो कि पाप की दोष भावना के कारण आई है. Every day the devil comes and says you are a sinner. हर एक दिन शैतान आकर कहता है कि तुम एक पापी हो. People come and say you are a sinner. लोग आकर कहते हैं कि तुम एक पापी हो. Our heart says you are a sinner. हमारा हृदय कहता है कि तुम पापी हो. And fear comes into our hearts. और हमारे हृदय में डर आ जाता है. And the guilt of sin kills us. और जो पाप का दोष है वो हमें मार देता है. And we have no peace. और हमारे पास कोई शांति नहीं होती है. That's why Jesus took that guilt of sin upon his head to bring us redemption from our guilt of sin and to bring peace in our lives. और इसीलिए हमारे इस पाप के दोष से छुड़ाने के लिए यीशु आए. उसने हमारे पाप के दोष को अपने ऊपर ले लिया ताकि हमें जीवन दे सके. Not only that. केवल इतना ही नहीं. The worries of the world are like thorns. संसार की चिंताएं भी कांटों के जैसी हैं. Jesus talks about the parable. यीशु ने दृष्टांत में कहा. When the seed is being crushed by the worries of the world. जब बीज जो है उस पर संसार की चिंता उसे दबा देती है. Crushed by the thorns. वो कांटों के द्वारा दबाया जाता है.
And those thorns come and crush our peace. और वो कांटे आकर हमारी शांति को कुचल देते हैं. The worries crush our peace. और जो चिंताएं हमारी शांति को कुचल देती है. Makes us lose even our trust in God. और यहां तक कि उसके कारण हम परमेश्वर पर अपना भरोसा भी खोने लग जाते हैं. But Jesus took the worries. लेकिन यीशु ने चिंताओं को ले लिया. Took the depression. उसने निराशा को ले लिया. Took the loneliness. उसने अकेलेपन को ले लिया. Took the loss of faith. विश्वास के जो खोना है उसे ले लिया. Which we have in our minds upon his mind, his head, through the crown of thorns and endured. जो कि हमारे मन में होते हैं, जो हमारे सिर पर आना था, उसने अपने सिर पर ले लिया और क्रूस पर उसने कांटों का मुकुट पहन लिया. Today, by those wounds, we are healed. आज उन्हीं कोड़ों के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं. We can be free of all our worries. हम अपनी सारी चिंताओं से आजाद हो सकते हैं. Free of all the guilt of sin. पाप के सारे दोष से हम आजाद हो सकते हैं. Free of fear of death, spiritual death. मृत्यु से, आत्मिक मृत्यु के डर से आजाद हो सकते हैं. As we surrender our lives into the hands of Jesus, who has paid the price for us to be healed, saved, sanctified, and free. जैसे हम अपना जीवन यीशु को समर्पित करते हैं, जिसने हमारे लिए दाम चुकाया ताकि हम चंगे हो सके, शुद्ध हो सके, आजाद हो सके. And he makes all things work unto good for us. और वो सब मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है. Today there is hope for you in Jesus. आज यीशु में आपके लिए आशा है. Thank God. परमेश्वर को धन्यवाद दें. The same way Jesus also had a wound in his left hand. उसी तरह से यीशु के बाएं हाथ में भी जख्म था. So what does this signify, the wound in the left hand? ये बाएं हाथ का जो जख्म है, ये किसे दर्शाता है? Every time we use our left hand to hold somebody and to comfort someone. हर समय हम बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं कि किसी को थामें और उसे तसल्ली दें. When somebody is upset or crying, we hold them with our left. जब कोई परेशान होता है या रोता है, तो हम बाएं हाथ से उसे पकड़ कर तसल्ली देते हैं. Every time I think of comfort, I always think of the bond between a mother and a child. जब भी मैं तसल्ली के बारे में सोचती हूँ, तो मैं माँ और बच्चे के बारे में ही सोचती हूँ. There's something called the fourth trimester in medicine. इसे दवाइयों में fourth trimester कहते हैं. They say when even after the baby is born, the baby still feels that he's part of the mother. वो कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चे को लगता है वो अभी भी माँ का एक भाग है. Even though the baby is a separate human being, he still feels attached to his mother because he has found so much comfort through his mother. हालांकि वो एक अलग व्यक्ति बन गया है, लेकिन फिर भी वो माँ से जुड़ा हुआ ही महसूस करता है कि वो माँ से ही जुड़ा हुआ है. And every time a child goes through sickness or when he is upset, the mother rushes to comfort the child. जब भी कोई बच्चा बीमार होता है या किसी परेशानी में से होकर जाता है, माँ उसे तसल्ली देने के लिए दौड़ी आती है. In the same way we see when Jesus was on the cross. इसी के जैसे हम देखते हैं कि जब यीशु क्रूस पर था, Mary, the mother of Jesus, would have broken down in tears. यीशु की माँ मरियम वहाँ पर आंसू बहा रही थी. She would have felt, oh, I'm not able to comfort my child. उसे लग रहा होगा कि मैं अपने बच्चे को तसल्ली नहीं दे पा रही हूँ. I'm not able to hug him and kiss him. मैं उसे गले नहीं लगा पा रही हूँ, चूम नहीं पा रही हूँ. I recently my very close friend lost her brother. हाल ही में मेरी एक करीबी सहेली का भाई गुजर गया. And her mother broke down so badly, saying, I've lost my child. What am I going to do? माँ पूरी तरह से टूट गई थी. वो कह रही थी कि मेरा बेटा मर गया, अब मैं क्या करूँगी? In the same way, many of you might have lost your children this. इसी तरह से शायद आप में से किसी ने अपना बच्चा खो दिया होगा. Or your children might be going through so much of suffering. या आपके बच्चे बहुत परेशानियों में से जा रहे हैं. And you might say, I'm trying so much to comfort them, but I'm not able to do anything to help. आप कह रहे होंगे कि मैं उन्हें तसल्ली देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही हूँ. But through the wound of God, through His left hand, God is going to comfort you and your children. लेकिन बाएं हाथ के जख्म के द्वारा प्रभु आपके बच्चों को जरूर तसल्ली देगा. We read in 2 Corinthians 1:3. हम दूसरा कुरिन्थियों 1:3 में पढ़ते हैं. Yeah, it says he is the father of compassion. ये कहता है वो करुणा का पिता है. And through that, my dear friends, the Lord is going to comfort you and your children today. इसी के द्वारा मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको, आपके बच्चों को तसल्ली देगा. He is the God of all comfort.
वो सारी तसल्लियों का परमेश्वर है। He is going to comfort you through his presence and through his word. वो अपनी उपस्थिति और अपने वचनों के द्वारा आपको तसल्ली देता रहेगा। Jesus was wounded on his right hand. Why? यीशु के दाहिने हाथ पर जख्म था, क्यों? The right hand is used to do all the works. दाहिने हाथ के द्वारा सारे काम किए जाते हैं। To feed others. दूसरों को भोजन देते हैं। To do work. काम करते हैं। To build relationships. रिश्ते बनाते हैं। And so on. ये सब कुछ। When Jesus was in this world. जब यीशु इस दुनिया में था। He broke the bread with his hands. उसने अपने हाथों से रोटी तोड़ी। He gave it to them and said, "This is my body." उसने उन्हें देकर कहा कि ये मेरी देह है। And even today we practice that. और आज भी हम इसे करते हैं। When we eat the bread that symbolizes his body. जब हम रोटी खाते हैं तो ये उसकी देह को दर्शाती है। We are connected with him. हम उससे जुड़े हुए हैं। He cleanses us and sanctifies us. वो हमें धोता है और शुद्ध करता है। So that we are united with him. ताकि हम उसके साथ जुड़े रहें। That is what the wound in his right hand symbolizes. उसके दाहिने हाथ का जख्म यही तो दर्शाता है। Not only that, when he was in this world, he blessed the 5 loaves and the 2 fish. He multiplied them and he fed the 5,000. केवल इतना ही नहीं, जब वो इस संसार में था, तो उसने 5 रोटी और 2 मछलियों को आशीष दी और 5,000 लोगों को भोजन दिया। And there were 12 baskets remaining. और 12 टोकरियां बच गईं। In the same way, whatever we earn, whatever money God blesses us with, He will multiply it and He will make sure that it is enough for our family. इसी तरह से जो भी हम कमाते हैं, वो उस पर आशीष देता है और हमारे परिवार के लिए पूरा होता है। Not only being enough or sufficient for us. केवल हमारे लिए पर्याप्त और काफी ही नहीं होता। But there will be much more remaining. लेकिन बहुत ज्यादा बच भी जाता है। So that we will be able to do much more. ताकि हम और ज्यादा कर सकें। That is his heart. यही उसका हृदय है। That is his nature. यही उसका स्वभाव है। To do much more. कि उससे भी बढ़कर करे। And not only that, we use our hands to build relationships. केवल इतना ही नहीं, हम अपने हाथों का उपयोग करते हैं कि अपने रिश्ते मजबूत करें। When we shake hands with someone, we connect with them and we greet them and we make a connection with them. जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं, हम उनका अभिवादन करते हैं और हम उनसे जुड़ जाते हैं। In the same way, we are able to make peace with our family. इसी तरह से हम अपने परिवार के साथ शांति बनाते हैं। Peace with our enemies. अपने शत्रुओं के साथ शांति। Peace with our co-workers, our friends and the people around us. हमारे सहकर्मियों और अपने आसपास के लोगों के साथ शांति बनाते हैं। That's how God blesses our hands also in our lives and our relationships. इसी तरह से परमेश्वर हमारे हाथों को, हमारे संबंधों को वो आशीष देता है। Not only that, Jesus was a carpenter. केवल इतना ही नहीं, यीशु बढ़ई था। And he worked with his hands. उसने अपने हाथों से काम किए। He knows what hard work is, how to work with his hands and how much pain and toil goes into the work. वो जानता है कि हाथों से कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना परिश्रम लगता है। Today we may be saying, what does God know about my job? शायद आप कहते होंगे कि परमेश्वर मेरे काम के बारे में क्या जानता है? Does he know the stress that I'm going क्या through? वो जानता है कि मैं किस दबाव में से होकर जा रहा हूँ? Does he know how much pressure I'm feeling? क्या वो जानता है मैं कैसे दबाव में से जा रहा हूँ? Does he know the pain that it's causing my body? क्या वो जानता है मेरे शरीर में कितना दर्द हो रहा है? Yes, God went through that when he was in this earth. हाँ, यीशु जब इस पृथ्वी पर था, वो इनमें से होकर गया। And today God gives us deliverance from it all through his right hand that did all those works. आज प्रभु अपने दाहिने हाथ से हमें इन सब से छुटकारा देता है, उस दाहिने हाथ से जिसने ये काम किए हैं। And lastly, he used his right hand to heal people. और अंत में उसने अपने दाहिने हाथ से लोगों को चंगाई दी थी। He touched the blind man with his hand and healed him. उसने अंधे की आंख को छुआ, अपने हाथ से छूकर चंगाई दी। Touched the sick and healed them. बीमारों को छुआ और चंगा किया। Gave his hand to the lame man and lifted him up to walk. लंगड़े व्यक्ति को हाथ से उठाकर उसे चलने लगाया, उसे चंगाई दी। Today, through the wounds in his right hand, we are healed. उसके दाहिने हाथ के जख्म के द्वारा आज हम चंगे हुए हैं।
We've heard and seen with our own ears and our eyes how many people were touched during our crusades and they were immediately healed of their back pain. हमने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है कि हमारे क्रूसेड के दौरान उस समय के दौरान पीठ दर्द से बहुत लोगों ने चंगाई पाई है. Their eyes were opened. आंखें खुल गईं. They could see. और वो देखने लगे. The power of the wounds in his right hand is still alive today. उसके दाहिने हाथ के जख्म की सामर्थ आज भी जीवित है. And it's worked. और ये काम करती है. This is the power of the wounds in his right hand. यही तो उसके दाहिने हाथ के जख्मों की सामर्थ है. Amen. Jesus has wounds on his side. Why? यीशु की पसली में जख्म हुआ क्यों? उसकी पसली में जख्म क्यों था? By his wounds we are healed. उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए हैं. In Isaiah 53:5 the Bible says. यशायाह 53:5 कहता है. He was pierced for our transgressions. वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया. In John 19:34 the Bible says. यूहन्ना 19:34 में बाइबल कहती है. The soldiers, when they pierced his side, water and blood was flowing out of his body. जब सिपाही ने उसकी पसली में भाला मारा, तो उसकी पसली में से पानी और खून बहने लगा. This water and blood shows cleansing and also salvation. ये पानी और खून दर्शाता है हमारे शुद्धिकरण और उद्धार को. ये दर्शाता है. The Bible says, by the blood of Jesus Christ, we are cleansed of all our sins. Bible कहती है कि हम यीशु के लहू के द्वारा सारे पापों से शुद्ध किए गए हैं. And we draw from the wells of water, and that gives us salvation. हम जीवन के कुएं में से पानी निकालते हैं और वही हमें उद्धार देता है. Jesus is the wells of salvation. यीशु उद्धार का कुआं है. Different kinds of salvation. अलग-अलग तरह का उद्धार. The one who pierced Jesus, his eyes were open to see he is the Lord. जिन लोगों ने यीशु को भेदा था, वो जान गए कि यही तो प्रभु है. Thomas, when he touched the side of Jesus Christ, he saw who Jesus was. थोमा ने जब यीशु की पसली को छुआ था, उसने जान लिया कि यीशु कौन है. Even today, the Lord will open your eyes to see who Jesus is. आज यीशु आपकी आंखों को खोलेगा कि आप देखें यीशु कौन है. He will cleanse you from all sins. वो आपको सारे पापों से शुद्ध करेगा. You may be crying, Lord, I am unable to give up all my sins. आप शायद कहते होंगे कि प्रभु मैं अपने पापों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ. Today is the day of your salvation. आज आपके उद्धार का दिन है. You can touch the side of Jesus. आप यीशु की पसली को छू सकते हैं. And have forgiveness from God. और प्रभु से क्षमा पा सकते हैं. May the Lord deliver you from all your sins and from all your sicknesses. प्रभु आपको सारे पापों से, आपकी सारी बीमारियों से छुटकारा दे. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. The side of Jesus brings salvation and cleansing. यीशु की पसली के द्वारा निश्चय उद्धार और शुद्धिकरण है. The same wound connects the husband and the wife because the wife was made from the side of the man. और वही जो जख्म है वो तो पति और पत्नी को एक साथ जोड़ते हैं, क्योंकि पत्नी जो है वो तो पुरुष के पसली से निकाली गई है. Because of the wound in the side of Jesus, your family life will be strengthened, healed and blessed today. यीशु के पसली में जो भाला मारा गया, उसके जख्म के कारण आपका पारिवारिक जीवन बल पाएगा और आप आशीष पाएंगे. Jesus was nailed in his leg, in his right leg on the cross. क्रूस पर यीशु के दाहिने पैर में कील ठोकी गई. And he suffered having a wound on his right leg. और उसके दाहिने पैर पे इस तरह से जख्म हुआ. Why? क्यों? If we take our right leg, it is for most of us the dominant leg.
और जैसे अपने दाहिने पैर को देखे तो ये तो अधिकार करने वाला पैर है। Any place we step forward to go to, we use our right leg first. कहीं भी हम जाने के लिए अपना कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहले दाहिना पैर आगे बढ़ाते हैं। And if you see in the South Indian culture, they have a tradition. अगर आप दक्षिण भारत की परंपरा में देखें तो ये उनका एक तरीका है। A newly married couple, when they enter into their house for the first time as a couple. और जब नए दंपत्ति पहली बार दंपत्ति के रूप में घर में प्रवेश करते हैं, they would ask both the husband and the wife to put their right leg forward and step into the house. तो वो इस तरह से कहते हैं कि दोनों जो पति पत्नी हैं, अपने दाहिने पैर को आगे बढ़ाएं और घर में प्रवेश करें। It would denote that both of them have to unitedly join together and step into this new journey. और ये इस बात को दर्शाता है कि अब दोनों एक साथ में जुड़ गए हैं और उन्होंने इस नई यात्रा की शुरुआत की है। God is concerned about our journey. परमेश्वर हमारी यात्रा की परवाह करते हैं। About the right direction for our life. हमारे जीवन के लिए सही दिशा के बारे में। And he went through this so that we would have the right direction. और वो इसमें से होकर गए ताकि हम सही दिशा पा सकें। My friends, you might be worried on what decision you should take towards this right direction. मेरे दोस्तों, शायद आप ये चिंता कर रहे होंगे कि सही दिशा की ओर जाने के लिए मुझे कौन से कदम उठाने होंगे। What is my purpose? मेरा उद्देश्य क्या है? My calling. मेरी बुलाहट क्या है? Where do you want me to go, Lord? प्रभु, आप क्या चाहते हैं कि मैं कहां पर जाऊं? Where is my open door? मेरे लिए खुला द्वार कहां पर है? God wants to reveal it to us. परमेश्वर ये हम पर प्रकट करना चाहते हैं। In Exodus 23:20. निर्गमन 23:20 में God says, "See, I am sending an angel ahead of you." परमेश्वर ने कहा कि देख, मैं तुम्हारे आगे आगे एक स्वर्गदूत भेजता हूँ। To guard you along the way. कि मार्ग में तुम्हारे मार्गदर्शन करें। And to bring you to the place that I have prepared. कि मैंने तुम्हारे लिए जो जगह तैयार की है, वहाँ पर तुम्हें लेकर आए। He wants to bring us towards the place which God Himself has prepared. परमेश्वर ने स्वयं जो जगह तैयार की है, वो हमें उस जगह पर लेकर आना चाहते हैं। He wants to guard us along that safe route. और उस सुरक्षित मार्ग में वो हमारी रक्षा करना चाहते हैं। I'm sure that He will reveal it to us today. और निश्चय मैं जानता हूँ कि आज वो हम पर इसे प्रकट करेंगे। And in this path, the devil tries to come and take us away from this route. और इस मार्ग में शैतान कोशिश करता है कि आकर हमें इस रास्ते से हटा दे। Tries to deceive us. वो हमें धोखा देने की कोशिश करता है। So the Lord Jesus said, "Let me take this devil and his plans against my children and defeat him on the cross." और इसलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा कि मैं अपने संतानों के लिए योजना बनाता हूँ और मैं क्रूस पर उस शैतान को हरा देता हूँ। So let me be wounded in my right leg. और मैं इसलिए मैं अपने दाहिने पैर में जख्म ले लूँ। And slay the plans of the devil and defeat him. और शैतान की सारी योजनाओं को मैं पूरी तरह से गिरा दूँ और उसे हरा दूँ। His plans are nailed on the cross. उसकी योजनाएं क्रूस पर जड़ दी गई हैं। The devil cannot triumph over us. अब शैतान हमारे ऊपर जयवंत नहीं हो सकता है। When we receive Jesus. जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं। And his ways for us. और जब उसके लिए उसके हमारे लिए जो मार्ग है उसे स्वीकार करते हैं। And he says in Romans 16:20. और रोमियो 16:20 में ये कहता है। The Bible says the God of peace shall soon crush Satan under our feet. और ये कहता है कि शांति का परमेश्वर बहुत ही जल्दी शैतान को हमारे पैरों तले कुचलेगा। When we say, Lord, let your plans be fulfilled in my life. और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर तेरी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो जाएं। Today Jesus crushes Satan under our feet. आज यीशु जो है शैतान को हमारे पैरों के नीचे कुचलती हैं। Because we have given ourselves to be led into God's direction. क्योंकि हमने अपने आप को दे दिया ताकि हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में चल सके, दिशा में। Satan's direction fails in our life. हमारे जीवन में शैतान के दिशा निर्देश असफल हो जाते हैं। He becomes scared of us. वो हमसे डर जाता है। This is a saint of God who follows God in his life. और वो कहता है कि ये तो परमेश्वर का संत है जो अपने जीवन में उसके पीछे चलता है। And Jesus joyfully takes us to the shore where he wants us to go. और यीशु बड़े आनंद से हमें उस किनारे पर लेकर जाते हैं जहाँ पर वो चाहते हैं कि हम पहुँचे। You will receive his clear leading in your life today, my friends. मेरे दोस्तों, आज आप अपने जीवन में उसके ओर से स्पष्ट मार्गदर्शन पाएंगे। And you will feel a hand guiding you, your right leg, towards the right direction for your life. और आप पाएंगे कि एक हाथ आपका मार्गदर्शन कर रहा है, आपके दाहिने पैर का, कि आपको आपके मंजिल की ओर लेकर जाए। It will open for you. ये आपके लिए खुल जाएगा। Just believe and receive it from Jesus. बस केवल विश्वास करें और इसे यीशु से ले लें।
Why was Jesus' left leg nailed and wounded? क्यों यीशु का बाएं पैर जो है उसके ऊपर में कील ठोकी गई और उसे घायल किया गया? It's just for us to be rooted firmly in life and in stature. ये केवल हमारे लिए है कि हम अपने जीवन में और अपने डिलडॉल में बहुत ही मजबूती से जड़ पकड़ते जाएं. Whenever we take a step, जब भी हम कदम बढ़ाते हैं, our right leg goes first, तो हमारा दाहिना पैर पहले आगे जाता है, and our left leg gives stability, और हमारा बायां पैर हमें स्थिरता देता है, and balance, और संतुलन भी देता है, so that we don't fall, ताकि हम गिरे नहीं. Same like that, Jesus' left leg was wounded. इसी तरह से जैसे कि यीशु का बायां पैर घायल किया गया. Just for us to be rooted strongly in Him, ताकि हम उसमें मजबूती से जड़ पकड़ते चले जाएं. There's a beautiful verse in the Bible. बाइबल में एक बहुत ही सुंदर वचन है. Luke 2:52. The verse clearly says, and Jesus increased in wisdom and stature. वचन बहुत ही स्पष्ट बताता है कि यीशु डिलडॉल में और बुद्धि में बढ़ते चले गए. And in favor with God and men. परमेश्वर और मनुष्य की कृपा में बढ़ते चले गए. It clearly says Jesus was fully increased in wisdom. ये स्पष्ट कहता है कि यीशु बुद्धि में बढ़ते चले गए. He was full of wisdom and knowledge. वो तो बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए थे. Sometimes you might be saying, "Oh, I don't need anyone's help. I can handle it by my own." कई बार आप ये कहते हैं कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद अपने आप इसे निपट लूंगा. But Jesus himself clearly says that he has the favor of God and men. लेकिन स्वयं यीशु ने यहाँ पर कहा है कि उस पर परमेश्वर और मनुष्य दोनों की कृपा थी. And he was fully filled with wisdom and knowledge. और वो पूरी तरह से बुद्धि और ज्ञान से भरे थे. And another verse clearly says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. एक और वचन बहुत ही स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर का भय मानना यही तो बुद्धि का आरंभ है. And Jesus himself suffered for us. और स्वयं यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया. For us to be restored. कि हम फिर से उसके साथ जुड़ जाएं. To make us strong. कि हमें मजबूत बनाएं. And to give us a stature in life. और हमारे जीवन में हमें डिलडॉल दे. As you believe in the left leg wound of Jesus. जैसे कि आप यीशु के बाएं पैर के जख्म पर विश्वास करते हैं. He himself will restore your life. वो आपके जीवन को फिर से नया बनाएंगे. Make you strong. आपको बलवान बनाएंगे. Firm and steadfast. वो आपको स्थिर करेंगे और मजबूत बनाएंगे. According to this verse, 1 Peter 5:10. पहला पत्रस 5:10 के अनुसार. The final wound of Jesus. यीशु का अंतिम जख्म. His back was wounded. उसकी पीठ छील दी गई थी. Whipped by the Roman soldiers. रोमी सिपाहियों के द्वारा उस पर कोड़े बरसाए गए थे. उसे फाड़ दिया गया था. Flesh was torn. उसका मांस छील दिया गया. And they put the cross for him to carry on that back. और उस पीठ के ऊपर उन्होंने क्रूस डाल दिया ताकि वो उसे लेकर चले. The wood of the cross would tear the back. और उस क्रूस की जो लकड़ी थी उसके पीठ को और फाड़ती जाती थी. And the whole night he hadn't slept. उस पूरी रात वो सोए नहीं थे. Weak. कमजोर थे. Facing false accusations. उस पर झूठे आरोप लगाए गए थे. Betrayals. उसे धोखा दिया गया था. By Judas. यहूदा के द्वारा पकड़वाया गया. Denying by Peter. और पत्रस ने उसका इनकार किया. And all the disciples running away, leaving him all alone. और सारे जो चेले थे उससे अकेला छोड़कर भाग गए थे. He carried the wound on his back for you. उसने आपके लिए अपनी पीठ पर वो जख्म लिए. Maybe you are also betrayed. शायद आपको भी धोखा दिया गया होगा. You are lonely fighting your battles all by yourself. लोग आपको छोड़कर भाग गए, आप अकेले ही अभी युद्ध लड़ रहे हैं. You are trying to defend your pure life before unreasonable and wicked people who are bringing false accusation against you. और आप अपने जीवन को बिल्कुल शुद्ध रखना चाहते हैं, लेकिन जो अधर्मी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, आपके विरुद्ध में झूठे आरोप लगाते हैं. Jesus understands. यीशु इसे समझते हैं. He has the wounds in his back to make you rise up again. उसके पीठ पर उसने कोड़े खाए ताकि आपको फिर से उठाकर खड़ा करें. As you have him in your heart. जैसे आप उसे अपने हृदय में रखते हैं. He will make you stand up. वो आपको उठाकर खड़ा करेंगे. Make your head higher. आपके सिर को ऊंचा उठाएंगे. And according to Zephaniah 3:19. और सपन्याह 3:19 के अनुसार. In the same place where you went through shame, he will give you praise and honor. जिस जगह पर आप अपमान में से होकर गए, उसी जगह पर वो आपको स्तुति और आदर देंगे. Double portion of honor.
दुगना आदर देंगे because of his wounds on his back. उसके पीठ पर के उन जख्मों के कारण understand. वो इसे समझते हैं. He will help you. वो आपकी मदद करेंगे. You're not an orphan. आप अनाथ नहीं हैं. Come to Jesus. यीशु के पास आए. He has suffered all your pains and wounds for you. उसने आपके लिए आपके सारे दुख और जख्मों को सह लिया है. Let him carry you. वो आपको लेकर चले. Father. पिता. I surrender my life and our family's life and the life of everyone who is watching into your loving wounded hands. पिता, मैं अपने परिवार को, अपने आप को और हर एक दर्शक जो देख रहे हैं, उन सभी को, उनके परिवार को आपके जख्मी घायल हाथों में सौंपता हूँ. Wounded head. आपके जख्मी सिर पे सौंपता हूँ. Wounded legs. और जख्मी पैर. Wounded side. जख्मी पसली. Heal thy children. इस बच्चों को चंगाई दे. Strengthen them. इन्हें बल दीजिए प्रभु. Empower them. इन्हें सामर्थ्य दीजिए. Lead them into the future which you have planned for them. और आपने इनके लिए जो भविष्य की योजना बनाई है उसमें अगुवाई कीजिए. Keep them strong. इन्हें मजबूत रखिए. Prosperous. इन्हें संपन्न बनाइए. Full of peace. इन्हें शांति से भर दीजिए. Full of joy. आनंद से भर दीजिए. Saved. उद्धार दीजिए. And sanctified to be your children. और ऐसे शुद्ध हो जाए कि आपकी संतान हो. We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे.